तो स्वागत है आप सबका का ए सी सी डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स हमें कंटिन्यूसली आ रहे थे कि सर जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस और के बारे में बताइए जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं ए सी सी वन टू एट कोर्स के जो ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे और उनकी वैकेंसीज़ कितनी है साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट नई अभी आउट हुई है ए सी सी वन टू एट कोर्स के कैंडिडेट्स की बिकॉज 120 कैंडिडेट्स उसमें रिकमेंड हुए थे ई सी सी वन टू एट एंट्री में तो आउट ऑफ 120 ट्वेंटी कैंडिडेट्स सेवेंटी फाइव कैंडिडेट्स विल गो फॉर आई एम ट्रेनिंग बाकी जो हैं कैंडिडेट्स मेरिट आउट हो गए हैं तो कौन से कैंडिडेट्स मेरिट इन हुए हैं कौन से कैंडिडेट्स मेरिट आउट हुए हैं वो हम इस uh, में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे जिन जिन कैंडिडेट्स को अभी कॉल लेटर नहीं मिला है तो उनको पूरी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि ये जो आई एम ए का ए सी सी विंग है ये कहाँ पर लोकेटेड है या फिर यहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहेगा ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी जो छुट्टियाँ आपको मिलेंगी वो कितनी देर बाद मिलेंगी अकोमोडेशन कैसा रहेगा तो ये सारी डिटेल्स जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वाली हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में जो नेक्स्ट अपकमिंग बैचेज होंगे ACC 130 वन थ्री जीरो और वन थ्री वन उसकी प्रिपरेशन में भी कैसे आपको अभी से अपना स्टार्ट करना चाहिए सो दैट कि आप भी इसी तरह से मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम आए आप भी रिकमेंड हो तो पहली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि टोटल वैकेंसीज़ जो एसीसी एंट्री में होती हैं वो कितनी होती हैं सेवेंटी फाइव वैकेंसीज़ टोटल होती हैं फॉर एवरी बैच तो साल में दो बैचज़ होते हैं एक जनवरी में स्टार्ट होता है एक जुलाई में स्टार्ट होता है तो जनवरी वाला बैच ये स्टार्ट हो रहा है ए सी कोर्स स्टार्ट हो रहा है ठीक है इसमें टोटल सेवेंटी फाइव हैं बट दिस टाइम वन ट्वेंटी कैंडिडेट्स गॉट रिकमेंडेड अब ये एक सौ बीस कैंडिडेट्स रिकमेंड कैसे हुए पहले तो आपको ये समझना है बिकॉज ए एंट्री में ऐसा था पहले कि मतलब जो सेवेंटी फाइव वैकेंसीज होती थी ना वो भी फुलफिल नहीं हो पाती थी कभी तीस कभी पैंतीस कभी चौंतीस कभी चालीस इतने कैंडिडेट्स जाते थे अब रीज़न क्या है ज़्यादा रिकमेंडेशन होने का कि कैंडिडेट्स वाई में जाते हैं अब वाई क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए तो वाई क्या है यंग लीडरशिप कोर्स उसमें उसे कहा जाता है उसमें क्या होता है मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ कि रिटर्न एग्जाम जो ए का होता है उसमें जो भी कैंडिडेट्स जिनकी मेरिट अच्छी आई होती है रैंक ंग अच्छी आई होती है उनको वाई कोर्स में बुलाया जाता है उनको प्री ट्रेनिंग है। एस, एस ट्रेनिंग करवाई जाती है एस की ट्रेनिंग करवाई जाती है जिससे कि रिकमेंडेशन रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है जब से वाई कोर्स स्टार्ट हुआ है तो इसी हम लोग सारे टीचर्स रिपीटेडली आपको यही चीज़ बताते हैं कि टॉप पाँच की रैंकिंग में आ जाओ आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी अदरवाइज़ ए सी सी एग्ज़ाम पास करना आप कर लोगे पास बट पास करना इज नॉट द मोटो आपको मेरिट में भी आना है मेरिट में आप तभी आ पाएंगे जब आप टॉप पाँच सौ की रैंकिंग के लिए पढ़ाई करेंगे और वो पढ़ाई के लिए अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए या फिर क्लासेस चाहिए या फिर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मोस्ट वेलकम आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें एट वन टू ज़ीरो सेवन फोर फाइव नाइन डबल सिक्स आपको हमारे टीचर्स पूरा फुल गाइड करेंगे ठीक है और मेन रिक्वायरमेंट इज़ टू कम इन मेरिट तो अब क्या है इतना आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको मेरिट में आना है अब आप यहाँ पे लिस्ट भी दे सकते हो यहाँ पे लिस्ट दी गई है ए सी सी वन टू एट की मेरिट लिस्ट ये एज़ पर मेरिट यहाँ पे इन बंदों के नाम आपको देखने को मिलेंगे ठीक है 120 तक बट अब आप, आप देखो ये सारे बंदे जो 120 तक हैं ये सारे रिकमेंड हुए हैं बट रिकमेंडेशन का क्या मतलब है जब आप मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं बहुत दुख होता है ना उस टाइम पे इसीलिए अभी से एक अपना मोटो बना लो जो भी कैंडिडेट्स अभी अपकमिंग ए सी एग्ज़ाम्स देंगे चाहे ए सी वाला या फिर ए सी एग्ज़ाम देंगे आप तो आपको मेरिट में आना ही आना है आपको अच्छी तैयारी उसके लिए करनी ही करनी ये अपना जो माइंड में बिठा लो ठीक है अब बात करते हैं जो कैंडिडेट्स जिनको कॉल लेटर आया है और जिनको नहीं आया है उनको क्या क्या जो जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे यह आपको प्रोवाइड करी गई हैं ठीक है तो पहली बात जो आपकी ए सी सी विंग है ठीक है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी तो ये आईएमए का जो है पार्ट है आई एम ए के अंडर ही है लोकेटेड एट प्रेम नगर देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है और इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है देहरादून पहली चीज़ और इसमें जो क्लाइमेट आपको मिलेगा मॉडरेटली वार्म थोड़ा थोड़ा गर्म टाइप मिलेगा अप्रैल मई जून के महीने में बाकी मानसून आपको जुलाई टू सप्तम्बर और जैसे आप अभी जाएँगे नवम्बर टू मार्च जो है आपका काफ़ी ज़्यादा विंटर रहेगा वार्म क्लोथिंग बिकम्स नेसेसिटी तो वार्म क्लोथिंग आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है उसके बाद में जो ए की ट्रेनिंग होती है वो मैं आपको बता दूँ ए विंग में आपकी तीन साल ट्रेनिंग होती है ठीक है उसके बाद नॉर्मल वन ईयर की आपकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे तो टोटल चार साल की ट्रेनिंग रहती है एसीसी विंग एसीसी कोर्स में ठीक है दूसरी चीज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एट एसीसी विंग इज इन थ्री ईयर्स स्प्लिट इनटू सिक्स सेमिस्टर्स तो छः छः महीने के आपके सेमिस्टर रहेंगे पहले तीन साल में तो हर एक सेमिस्टर के बाद में आपको छुट्टियाँ दी जाएंगी अब वो कितने दिन की छुट्टी दी जाएगी वो मैं आपको कमिंग स्लाइड्स में बताऊँगा ठीक है एंड देयर आफ्टर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल अंडर गो वन ईयर्स ट्रेनिंग एट आई एम ए तो पहले तीन साल आपको डिग्री टाइप करवाई जाएगी टाइप ऑफ ग्रेजुएशन उसके बाद एक साल आपको आई एम ए में होगा उसके बाद अकोमोडेशन जो होगी आपको हर एक कैंडिडेट को सेपरेट रूम में दिया जाएगा बट आपकी जैसे कि इसमें दोनों मैरिड एंड अन दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं बट आपको अकेले ही वहाँ ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़ेगा बस हाँ ये है कि संडेज या फिर जिस दिन छुट्टी होगी तो उस दिन आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं विजिटर्स की तरह पे जो भी आपके फैमिली एंड नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं ठीक है और इवन के जो डेंटल मैन कैडेट्स होते हैं उनको भी परमिट करा जाता है कि देहरादून सिटी में आप जा सकते हैं हॉलीडेज़ या संडेज़ को ठीक है अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि जब आप आई में जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए बहुत बार ये मिस मिसहेपनिंग हो रखी है कि कैंडिडेट्स चले जाते हैं बट दे आर नॉट अवेयर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके लेके जाना है तो इनका मैं कहता हूँ स्क्रीन ले लो आपको क्या क्या लेके जाना है पहले तो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका आई कार्ड आपके पास हो इंडिविजुअल क्लोथिंग कार्ड्स ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट ठीक है लॉस्ट राशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है मेडिकल सर्टिफिकेट क्या आपका शेप वन कैटेगरी है मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फिर उसके बाद मूवमेंट ऑर्डर आपका आपको लेके जाना है बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेल यू ऑल के ए बी लास्ट वन मंथ का ए सी सी वन थ्री ज़ीरो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आपको फुल प्रपरेशन हम स्टार्टिंग से करवाएंगे और जो आपकी प्रपरेशन वन मंथ की होगी ये लास्ट प्रपरेशन जो कैंडिडेट्स अभी तक तैयारी कर चुके हैं तो उनके लिए ये रहेगा कि उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग और आ जाएगी और जो कैंडिडेट्स अभी तक तैयारी नहीं करें तो अभी ये आपके लिए फाइनल कॉल है बिकॉज लास्ट की कुछ सीट्स ही हमने रखी हैं उसके बाद में हम एंट्री ए सी सी वन थ्री जीरो क्रैश कोर्स में बंद कर देंगे जैसे ही ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करेंगे ना आपको फुल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे जो कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे बिकॉज इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के वन लाइनर्स और एम सी क्यूज मिलेंगे शॉर्ट फॉर्म में बड़ी चीज़ तो ये है और शॉर्ट फॉर्म में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे मॉक टेस्ट लगाने को मिलेंगे ये तीन चीज़ें आपको फॉलो करनी है कुछ भी एक महीना आपको डेडिकेटेडली इस क्रैश कोर्स पर वर्क करना है कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ये अगर आप कवर कर लेंगे तो आराम से आपकी रैंकिंग अच्छी आ जाएगी और मेन चीज तो यह है, ये सारा कुछ आपको अभी प्रोवाइड हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल नाइन रुपीज में जबकि ये टू थाउजेंड प्लस का नॉर्मल कोर्स होता है ठीक है तो ये ऑफर अवेल करने के लिए टॉप फाइव फिफ्टी कैंडिडेट्स को ही मिलेगा बिकॉज अभी टेन टू इलेवन सीट्स बची हैं अराउंड थर्टी नाइन के अराउंड जो है कैंडिडेट्स ने एक ओपन कोड अप्लाई कर दिया है तो अगर आप उन दस कैंडिडेट्स में आना चाहते हैं जिनको ट्रिपल नाइन में ये क्रैश कोर्स मिले तो अभी के अभी ए सी सी डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें फ्रॉम द प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको जाना है ए सी सी वन थ्री जीरो क्रैश कोर्स पे वहाँ पर एनरोल कर हैं आप ठीक है या फिर हमें व्हाट्सएप करें एट वन टू जीरो सेवन फोर फाइव नाइन डबल सिक्स पर हम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे और सेम चीज़ है जो भी कैंडिडेट्स ए सी सी वन थ्री वन के लिए जाना चाहते हैं जो ए सी सी वन थ्री जीरो एग्जाम नहीं दे पाए बिकॉज ए सी सी वन थ्री वन का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो कंप्लीट उनको भी ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बैच डिटेल्स के लिए हमें वाट्सएप करें अभी के अभी ठीक है उसके बाद में क्या क्या कैडेट्स को फॉरविडन है मतलब आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं तो फैमिलीज़ आप नहीं अलाउड हैं वहाँ पे आपके कोई डॉग्स पेट्स या कोई प्राइवेट सर्वेंट्स आपकी ज्वेलरी कोई भी कॉस्टली आइटम है वो आप नहीं ले सकते हैं आपके कार बाइक जो भी है मोबाइल से अलाउड नहीं है लैपटॉप से अलाउड नहीं है आई पॉड ये सब अलाउड नहीं है अब आती है आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ छुट्टी छुट्टी आपको हर जो है हर छः महीने में एक महीने की छुट्टी आपको मिलेगी एक मिलेगी आपको जून जुलाई के टाइम चार वीक की मतलब एक महीने की और उसके बाद दिसंबर जनवरी के टाइम चार महीने की सो द कैडेट्स आर सेंट होम ऑन ड्यू ऑन लीव ड्यूरिंग दिस टर्म वीक्स नो अदर लीव इज़ ग्रांटेड टू द कैडेट्स ठीक है और कोई लीव आपको नहीं दी जाती है बट हाँ कुछ एमरजेंसी हो तो इन दैट सन्नरी आपको मिल सकती है और उसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल इंक साइंड कॉल लेटर अपना लेके आना है फिर उसके बाद आइडेंटिटी uh, प्रूफ अपना लेके आना है अपने मार्कशीट टेंथ एंड ट्वेल्थ की ओरिजिनल मार्कशीट्स आपको कैरी करनी है अगर ग्रेजुएट हो ग्रेजुएशन की उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सारे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उसके बाद पैन आधार एफिडेविट सर्टिफिकेट ऑफ जॉइनिंग ये सारी चीज़ें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर टेन फोटो उन्होंने बोला होता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की बट मैं तो कहता हूँ आप ट्वेंटी फोटो फोटोग्राफ कॉपीज़ अपनी आप जो है आ, आपको कैरी कर लेनी चाहिए और अब आता है एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट होता है कि मैं कौन सी सैलरी मुझे मिलती रहेगी मुझे आ, जो एक जी वाली सैलरी मिलेगी या फिर एक जिस नॉर्मल पोजीशन पे मैं हूँ तो आपकी जो सैलरी मिल रही होगी ना वही आप कंटिन्यू करेंगे आपको वही जो आपके रैंक पे मिल रही होगी सी वगैरह की सारी फ़ैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी और बाकी इकट्ठा आपको एरियर मिल जाएगा तो बाकी जो भी कैंडिडेट्स जिनको भी डाउट करी है दे कैन व्हाट्सएप ऑन एट आपको पूरी डिटेल्स दी जाएंगी अगर कोई भी आपको जो है जॉइनिंग डिटेल्स में प्रॉब्लम आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसीसी सी वन थ्री जीरो का क्रैश कोर्स या फिर एसीसी सी वन थ्री वन का नया बैच उसमें इनरोल करना है तो हमें व्हाट्सएप करें एट वन टू जीरो सेवन फोर फाइव नाइन डबल सिक्स पे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट